अस्सलाम वालेकुम, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कभी कभी फेसबुक पे भी हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हो तो हमारे सामने कोई ऐसी तस्वीर आती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए इस तस्वीर को मौजूद दें या इसका नतीजा लिखें, तो उधर बंदा रुक जाता है और बंदा कहता है कि फ़र्ज हो गया, इधर अगर मैंने ये कुछ लिखा ना तो इसका मतलब है कि मैं इतना ज़हीन नहीं हूँ। ऐसा होता नहीं है। ज़हीन को अपनी जहानत साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं ना तारीख से एक मिसाल दे देता हूँ, थोड़ी सी समझ आ जाएगी। सिकंदर आजम अरस्तू का स्टूडेंट था। एट अ टाइम 3 स्टूडेंट उसके पास पढ़ते थे। एक दिन अरस्तू ने उनसे सवाल कर दिया कि बताओ, अगर तुम एक समंदर में हो, तुम एक बहरी बेड़े के कैप्टन हो और तूफान आ जाता तो तुम क्या करोगे? पहला कहता है, उस्ताद जी मैं ना उधर लंगर डाल दूंगा और वेट करूंगा। दूसरा कहता है, उस्ताद जी मैं पानी की देवी के हवाले सब कुछ कर दूंगा, वो चाहे तबाह करे वो चाहे छोड़ दे। हाँ सिकंदर, तू की करेगा? उस्ताद जी मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, जब तक मुझे आप उस बेड़े में डाल के उस पानी में फेंक ना दो, वो तूफान आके गुजर ना जाए, मैं आपको नहीं बता सकता। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये करना है और उस वक़्त करूंगा मैं वही जो मेरे हाल के मुवाफिक होगा, जो मेरे लिए ठीक होगा, सो मैं नहीं आपको बता सकता। अभी वो जो दो थे ना, उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की थी कि हम सियाने हैं, हम ज़हीन हैं, और उन्होंने वो नीचे लिख दिया था कि मैं लंगर डालूंगा और मैं वो पानी की देवी के हवाले कर दूंगा, वट एवर। सिकंदर ने नहीं प्रूव किया था। पता है क्या, वो दो तो तारीख में गुम हो गए, सिकंदर ने आधी दुनिया फतह कर दी थी। तो जो ज़हीन होता है ना, उसे अपनी जहानत प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, वो बस होता है। वो मेरे एक बड़े अच्छे जानने वाले हैं, उन्हें ना मैंने एक दिन पूछा कि भाई अब यार बोलते बड़ा कम हो, की वजह है? तो वो कहते हैं, यार उमेर मैं ना बड़ा ही कम मकर हूँ, मैं बड़ा बेवकूफ़ हूँ, सो मैं डरता हूँ कि जब मैं बोलूँगा ना तो मेरे अल्फाज से लोगों को पता चल जाएगा कि ये बेवकूफ़ है, सो मैं चुप रहता हूँ। सियाने इस तरह के होते हैं यार, अपने आप के अपने अल्फाज को सांभ के रखते हैं। सो आप भी सांभ के रखो या संभाल के रखो। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे क्रिएटिव एंड यूज़ योर कॉमन सेंस। आपका अपना उमेर आलम।